बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आज नवंबर 1983 की 4 तारीख है और दरसे कुरान करीम का आगाज सूरह अल कलम की आयत 8 से हो रहा है, 6:8/8। साबका दरसों में ये बताया गया था कि हर रसूल जो हक का पैगाम लेके आता उसके प्रोग्राम की कड़ियां यूं होती थी कि सबसे पहले वो दलायल और बुरहान की रूह से अपने पैगाम को पेश करता था, दूसरों से भी दलायल मांगता था। जो इन दलायल से कायल हो जाते थे, फिर वो ज़ाब्ता कवानीन था उनका इतलाक उन पे हो जाता था। जो लोग इसे भी नहीं मानते थे और इसकी मुखालफत में खड़े हो जाते थे तो उसके लिए फिर मुदाफियाना तौर पर कुव्वत का इस्तेमाल नागजीर हो जाता था, वहाँ कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ती थी उस रोग को रोकने के लिए। इस प्रोग्राम के बाद अब जाहिर है कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो वो लोग आएंगे जो दलायल और बुरहान की रूह से अगर चाहें तो इस बात को समझने की कोशिश करें, ना चाहें तो उनसे कहा जाता था कि तुम हमारे प्रोग्राम में मुदाखलत ना करो, हम तुम्हारे प्रोग्राम में दखल नहीं देते। और इसके बावजूद फिर जो मुकाबले में जो आके इसकी इसको रोकता था उस रुकावट को दूर करना जरूरी हो जाता था। अब अगली आयतों में एक और टाइप आता है सामने मुकाबले करने वालों का, मुखालफत करने वालों का। शमशीर तक की भी सूरत यह थी कि खुले बंदों मैदान में सामने आते थे, खुले बंदों में मुकाबला होता था। अब एक और टाइप आता है जो चाहता है कि किसी तरह से कंप्रोमाइज कर लिया जाए, मुफाहमत कर ली जाए। फला तुतिल मुकज्जबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, कि ये हक और सदाकत की तकलीफ करने वाला एक ऐसा ग्रोह भी है जो चाहता ये है कि कुछ तुम झुको कुछ वो झुके, कुछ तुम पीछे हटो कुछ वो आगे बढ़े। मफाहमत या कंप्रोमाइज जिसे कहते हैं, कुरान करीम ने इससे भी वार्न किया है, उम्मत मुस्लिमा को बताया है कि ये बड़े खतरनाक किस्म का ग्रोह होता है। अब आमतौर पे आप देखेंगे कि कश्मकश में कोई भी हो उसमें ये मुकाम आते हैं, कंप्रोमाइज होता है, लेकिन यहाँ उनको वो लोग बताए कि जो तकजीब कर रहे हैं और कहा यह है कि कतन इनकी बात न मानना, ये क्या चीज है? बातल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत में आना है हको बातल न कर कबूल। हक पहले ही वक्त में अपने मकाम पे अटल होता है और सवाल ही नहीं होता कि वो कुछ गिव एंड टेक कर सके, कंप्रोमाइज कर सके, मुफाहमत पैदा करे। जो मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि एक शख्स 2 और 2 4 कहता है, दूसरा 2 और 2 6 कहता है। अब 4 कहने वाला वो हक पर है, 6 कहने वाला बातिल पे है, दरमियान में आ जाते हैं या वही कहता है कि साहब बाहमी जिद से क्या हासिल है, आइए कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लें। और कॉम्प्रोमाइज ये हो कि तुम भी मान लो मैं भी मान लेता हूं कि 2 और 2 5 होते हैं। अब वो जो 6 कहने वाला था उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो पहले भी बातल पे था अब भी बातल पे है। ये जो पहले 4 कहने वाला हक पे था इसका तो रहा ही कुछ ना, ये तो अगर 4.25 भी कह लेगा तो अपने मुकाम से गिर गया। हक कहते ही उसे हैं जो अपने मकाम पर अटल हो,
उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, उसमें कोई दूसरी चीज शामिल नहीं हो सकती, और फिर कुरान ही के अल्फाज में उसके हिस्से बखरे भी नहीं हो सकते कि उसके कुछ हिस्से को आप माने और कुछ हिस्से से इनकार कर दें। वो तो फदखुलू फिस्सिल में काफतन है, वो पूरे का पूरा हक को लेना होगा या उसे छोड़ना होगा। ये भी गलत है कि कोई हिस्सा उसका ले लिया जाए और दूसरे हिस्से से इनकार कर दिया जाए। तो ये जो चीज मुफाहमत की या कंप्रोमाइज की चीज है जो हक पर है, यहां जरा भी एक कदम वो इससे इधर उधर हुआ वो बातल पे आ गया। आमतौर पे लोग कहेंगे कि साहब ये बड़ा जिद्दी है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है। देखिए ना, और जो मुफाहमत कराने वाले बीच में आ जाते हैं सालिस, वो भी ये कहते हैं कि देखिए साहब उसको देखिए कि वो मकाम अपना छोड़ता है। वो कहता है ठीक है मैं मान लेता हूं, मैं पीछे आ जाता हूं, मैं कह देता हूं दो और दो पांच होते हैं। और ये है कि जिद्दी है साहब, हिल ही नहीं रहे अपने मकाम पे। जिद्दी और हक परस्त में बड़ा फर्क होता है। जिद्दी वो होता है कि वो अपनी बात जो उसने खुद अख्तियार की है और उसके अख्तियार में है कि वो उसको छोड़ के दूसरी बात अख्तियार कर ले, वो अगर अपनी बात पे नाहक अड़ा हुआ है तो वो तो जिद्दी कहलाएगा। लेकिन जो हक को लेके आगे बढ़ा है वो हक को छोड़ कैसे दे, इसे जिद्दी नहीं कहा जाता, इसे असूल परस्त कहा जाता है। जो लोग हक के मानने वाले हैं वो असूल परस्त होते हैं, उनकी ये जिद नहीं होती। हक का तकाजा ये होता है कि वो अपने मकाम से जरा भी इधर उधर ना हट जाए। दीन जब मजहब में तब्दील हो जाता है वो हर मकाम पे वो फिर मफाहमतें करता है, हक मफाहमत नहीं करता। अब कुरान अगली आयात आई हैं उनमें इनका जिक्र है जो मफाहमत करने वाले, और अजीब चीज है जो कुरान ने बता दी कि ये कैरेक्टरलेस लोग होते हैं, इनका कैरेक्टर कोई नहीं होता। यानी पहले ही जो बात वो पेश कर रहे हैं वो ऐसी नहीं जिसके मुतल्लिक उनको यकीन हो कि ये हक है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, अटल है, ये नहीं होता। सौदेबाजी होती है कि ये कह दो, जितना दुकानदार जैसे नफा लेने वाला बेचना तो उसने होता है, 100 रुपए पे 150 रुपया कीमत बताता है और फिर कहता है जी तुम 200 की दोगे। जिस दुकानदार के यहां ये असूल होगा कि मैं वही कहूंगा जो मुझे लेना है, उस पर अगर आप ये कहेंगे कि साहब कुछ कम करो तो वो कहते हैं कि साहब आगे चले जाइए, यहां ये असूल नहीं है। ये जो इस तरह करने वाला है, कुरान ने एक कैटेगरी अब आगे बताई है, अजीब व गरीब चीजें उसमें आती हैं। ये वो लोग हैं, यानी उसने बताया ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज करने वाला है, याद रखिए वो हक के ऊपर नहीं है, जिद्दी है। और ये बात बताता नहीं है कि मैं हक के ऊपर नहीं हूं, पस्त ज़हनियत का इंसान है। आगे कुरान ने 5-6 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो किसी खास शख्सियत के मुतल्लिक बात नहीं कर रहा, वो उन लोगों की ज़हनियत बता रहा है जो ये एटीट्यूड अख्तियार करते हैं, ये रविश अख्तियार करते हैं कि जो हक के साथ कंप्रोमाइज करने की दावत लेकर आते हैं। पस्त ज़हनियत, कैरेक्टरलेस, किरदार कोई नहीं, किरदार उसका है जो हक के ऊपर होता है। अब ये देखिए 5-6 अल्फाज कुरान लेके आ गया है। मैंने जैसा अर्ज किया है ये नहीं कि कोई खास शख्स था जिसके मुतल्लिक ये कुछ कहा गया है, और ना ही ये समझ लीजिए कि कुरान माअज़ल्लाह किसी को गाली देता है। कुरान तो बुतों को गाली देने से भी मना करता है, ये जाए कि अपने किसी मुखालिफ को, अपने किसी हरीफ को वो गालियां देना शुरू करे माअज़ल्लाह। वो ज़हनियत बताता है कि इस ज़हनियत के लोग भी आएंगे, और मुतअद्दिद मकामात पे कहा गया है ये कि ये ठीक है रसूल, हम जानते हैं कि जो लोग दलायल व बुराहीन से बात करेंगे उनसे भी तो तंग नहीं पड़ेगा।
जो मैदान जंग में खुले बंदों शमशीर लेकर आएंगे उनसे भी नहीं तो तंग पड़ेगा। ये जो इस किस्म की ज़हनियत और कैरेक्टर वाले लोग आएंगे, हम जानते हैं कि उससे तो तंग पड़ जाता है। वस्बिर अला मा यकूलूना, यानी ये नहीं कहा कि शमशीर के मुकाबले में स्टेड पास रहो, कहा जो ये बातें करते हैं उस पर हिम्मत से हौसले से बर्दाश्त करो। तो गोया ये वो लोग हैं, इस ज़हनियत के लोग हैं कि उसका जवाब उस ज़हनियत से तो रसूल या हक परस दे नहीं सकता, वो उस मकाम पे उतर ही नहीं सकता, बड़ा पस्त मकाम होता है, उस पर वो उतर नहीं सकता। अब मुकाबला किस तरह से करे, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बर्दाश्त की कैफियत ये है, तो कुरान तो ये कहता है कि तू तो अपनी जान खुला ले गए, इसलिए हिम्मत से काम लो, दिल बर्दाश्ता ना हो। तो गोया ये वो टाइप आता है उन लोगों का कि जिनकी मुखालफत में मुखालफत कम होती है, पस्त जहनीत और कमीनापन ज्यादा होता है। वला तोते, पहले ये बात के मत माग बात मानो इनकी, ये जो कंप्रोमाइज और मफाहमत करने वाले आते हैं। अब देखिए कि क्या क्या उनकी खसूसियात बताई गई हैं। कुल्ला हल्लाफ महीन, महीन पस जहनीत का, जलील किरदार का इंसान, पस जहनीत का इंसान। और बताया यह है कि हल्लाफ बात बात पे कसम खाएगा, ये झूठे की पहचान होती है, सच्चे में खुश खुद एतमादी होती है। वो बात अपनी कहता है तो इस एतमाद के साथ कहता है कि जो कुछ मैंने कहा है ये सच है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कसमें खा के अपने झूठ को सच करके बताऊं। हल्लाफ कुरान ने जो कहा है, बार बार कसमें खा के अपनी गलत बात को सच्चा साबित करने वाला, सच्चा साबित करने की कोशिश करने वाला हल्लाफ है। हमारे लिए इन चीज़ों के अंदर सबक यह है अजीज़ा ने मन, कि ऐसी सीरत एक मोमिन की नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है। ये नहीं है कि मैंने जैसा अर्ज किया है कि किसी खास शख्स के मुतल्लिक ये कहा कि वो ऐसा था, या उन लोगों की कोई ज़हनियत बताई है। कुरान तो क़यामत तक के लिए, आने वालों के लिए, हम सब के लिए, वो तो एक ज़ाबता हदायत है। हमारे लिए इसमें हदायत है जिन चीज़ों के मुतल्लिक कुरान ने कहा है कि मज़मूम है ये, मायूब है ये, इस किस्म की सीरत और किरदार पसंदीदा नहीं है। उसके माने ये हैं कि तुम भी ये ख्याल कर लो कि ये बात तुम में ना कहीं पैदा हो जाए। हल्लाफ होना जो है, कुरान ने पहले ये बात कही कि झूठा होता है जो हल्लाफ होता है, जो बार बार कसमें खाता है वो झूठा होता है। वलात होते, अब उसके बाद ये कहा, और महीन होता है, जैसा मैंने अर्ज किया है, जिसे जिसमें खुद एतमादी होती है वो वजनदार बात करता है और उसके बाद कहता है कि मेरी बात सच्ची है, जो कुछ मानना है तो मानिए, नहीं तो ना मानिए। बल्कि उसे तो रंज पैदा होता है अगर उसे कहा जाए कि तुमने झूठ बोला है तो।